हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर नीति। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आटे के हलवे की रेसिपी, जिसको कड़ा प्रसाद भी बोलते हैं। और जब हम लोग भी गुरुद्वारे जाया करते थे तो हम लोग को भी मिलता था कड़ा प्रसाद, जो बहुत टेस्टी लगता था। तो उसी की रेसिपी आज मैं शेयर करने वाली हूँ। और प्रसाद जिस वर्ड के साथ भी जुड़ जाता है वैसे भी वो बहुत टेस्टी हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कड़ा प्रसाद बनता है, यानी आटे का हलवा। तो सबसे पहले हम लोग आटे का हलवा बनाने के लिए एक कटोरी घी लिए मैंने, और एक कटोरी ही मैंने आटा। तो आटे का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए एक कटोरी घी, जो मैं अभी इसमें डाल दूँगी। ये एक कटोरी घी मैंने लिया था, जो इसमें डाल दिया, और इसमें डाल दूँगी ये एक कटोरी आटा है। जिस कटोरी से मैंने घी नापा है उसी कटोरी से ये एक कटोरी आटा नापा है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी अभी। अभी इसको लगातार चलाते रहना है हमें, ताकि आटा अच्छे से भून जाए और ब्राउन ना हो, बिल्कुल लम्स भी ना पड़े। ज़्यादा जल्दी ब्राउन भी होना चाहिए, और हमको इसको स्लो गैस पे ही भूनना है। तो देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता जा रहा है, इसको छोड़ना नहीं है हमें, चलाते रहना है लगातार। इसको स्लो से मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। आप स्लो भी कर सकते हो और स्लो से मीडियम रख सकते हो, उससे फास्ट नहीं रखना आपको। और तब तक हम लोग ये दो कटोरी पानी है, जिससे मैंने आटा नापा था, ये वही कटोरी है। दो कटोरी पानी लिया है मैंने ये स्टैन में, और ये एक कटोरी शुगर है, उसी कटोरी से नापा है जिस कटोरी से आटा नापा था। एक कटोरी शुगर ले ली है मैंने। अभी इसको मैं गैस पर रख दूंगी। इसको भी मैंने गैस पे रख दिया है, और इसको तब तक गर्म करना है खाली जब तक इसकी चीनी पिघल ना जाए। इसी को चाशनी नहीं बनानी, खाली हमें चीनी इसमें पिघलानी है। तो ये जो पानी मैंने गर्म किया था ये अच्छे से ब्राउन हो गया था, तो ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। पानी जो गर्म किया था मैंने, चीनी डाल के वो डाल दिया। अभी इसको अच्छे से मिक्स करती रहूँगी। इसको स्लो गैस पे तब तक भूनना है जब तक ये घी ना छोड़ दे अपना अच्छी तरह से। तो देखिए आटे के हलवे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया। तो आटे का हलवा घी छोड़ रहा है धीरे 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 करके। इसको तब तक ही हमें पकाना है जब तक अच्छे से घी ना छोड़ दे अपना। पूरा घी अच्छे से छोड़ दिया है हलवे ने, तो हमारा हलवा रेडी हो चुका है। मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, अब बस ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे कड़े प्रसाद की, यानी आटे के हलवे की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे आटे के हलवे की रेसिपी कैसे लगी है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े भी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।